दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर से जहरीली हवाओं के साए में है। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर से होते हुए बहुत ज्यादा गंभीर और अब आपातकाल स्थिति में पहुंच गया है। मुश्किलें एक नहीं बल्कि कई सारी हैं जिससे समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर से जहरीली हवा के साए में है। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर से होते हुए बहुत ज्यादा गंभीर और अब आपातकाल स्थिति में पहुंच गया है। मुश्किलें एक नहीं बल्कि कई हैं, जिससे ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहली पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या, दूसरी तापमान में आई कमी और तीसरी धीमी गति से चल रही हवा। ये ऐसी समस्या है जो जस की तस बनी हुई है। वायु प्रदूषण की जांच करने वाली सरकारी संस्था सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने चेतावनी दी कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के मामले में आपातकालीन स्थिति में है और 14 नवंबर तक AQI गंभीरतम स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी आने वाले दो दिन लोगों के लिए सांस का आपातकाल हो सकते हैं, यानी सांसों में जहर अभी और घुलेगा। आज की बात करें तो दिल्ली के रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 566 दर्ज किया गया है, नरेला में 538, आनंद विहार में 402, जहांगीरपुरी में 481, ग्रेटर नोएडा में 532, फरीदाबाद में 514 और गुरुग्राम में 504। हालांकि 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन का नियम लागू हुआ, जो कुछ दिन के लिए दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए कारगर साबित हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से हालात पहले जैसे ही हो रहे हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई और पूछा कि दिल्ली में साल दर साल इतना प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार और अन्य स्टेक होल्डर की ओर से गंभीर, स्थायी और व्यापक उपाय किए जाएं। वहीं सरकार तकनीक और अन्य उपायों के सहारे इस बाबत पुख्ता उपायों को सुनिश्चित करे, साथ ही उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी तकनीक के सहारे अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को 3 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट R90।